If you want to become a better leader of tomorrow, please subscribe Rajkumari Clips channel because here we get you the most insightful clips on leadership. Okay, last question. This is very valuable because I think that's the crux of what you and me believe in, and that's how the conversation started. Why do you feel ki storytelling is number one skill जो हर एंटरप्रेन्योर हर बिजनेस ओनर हर एम्प्लॉई को आनी चाहिए? मैंने इसी डिस्कशन पे थोड़ी देर पहले कहा था कि द नंबर वन रीज़न जो ह्यूमन स्पीशीज हैज सर्वाइव्ड इज बिकॉज ऑफ दैट कहानी ऑफ रिलीजन, कहानी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. क्योंकि स्टोरी क्या करता है, सबको एक रूफ में लाता है और उनको एक शेयर्ड डायरेक्शन देता है. And that is the reason we have survived. आगे भी अगर आप देखेंगे हमारी लाइफ में कितना सारा नॉइज़ है, कितना सारा कॉम्पिटिशन है, कितना सारा सोशल मीडिया, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अ स्टोरी विल हेल्प यू स्टैंड आउट. क्योंकि एक स्टोरी इज़ अ केमिकल प्रोसेस. क्योंकि अगर आप एक अच्छी कहानी बोलोगे तो आपके दिमाग में सही सेट ऑफ केमिकल्स रिलीज होती हैं. अगर आप एक IPL का मैच देखते हैं, वेन देर इज़ अ टेंस चेज, धोनी कमिंग इन द लास्ट ओवर, डोपामाइन रिलीज करता है, फोकस आ रहा है. अगर आप एक मूवी देखेंगे लाइक धोनी की बात करते, धोनी की मूवी जो धोनी इतने स्ट्रगल के बाद वर्ल्ड कप जीतता है, इट रिलीजेस द हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन. अगर आप मूवी देखते हैं अबाउट से अ वर्ल्ड वॉर, अगर आपने ओपेनहाइमर देखी है, वर्ल्ड वॉर, इतने सारे लोग मरते हैं, इट रिलीजेस कॉर्टिसोल. तो हर स्टोरी रिलीजेस केमिकल्स. डेटा अपील्स टू द रैशनल ब्रेन और 95% ऑफ योर डिसीजंस आर टेकन बाय द इरैशनल ब्रेन. तो अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, स्टोरी टेलिंग सिंगल बिगेस्ट स्किल चाहिए आपको. क्योंकि आपको लोगों को आपके लिए लाना है, यू हैव टू ब्रिंग पीपल टू वर्क फॉर यू. आपको नॉइज में खड़ा रहना है, आपको कंपटीशन को बीट करना है, आपको राइट सेट ऑफ केमिकल्स रिलीज करने हैं. दैट्स व्हाई यू नीड स्टोरी टेलिंग. एक और टैक्टिक है जो कहते हैं कि सिंबल्स मैटर अ लॉट. सिंबल मतलब चित्र, साइंस मैटर अ लॉट. लोगों को लगता है नंबर्स मैटर करते हैं, एक्चुअली सिंबल्स मैटर अ लॉट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस तरीके से ड्रेस कर रहे हो, आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हो. स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक एंड ब्लू क्यों पहनते थे? कोई चॉइस नहीं था उन, या ज़करबर्ग हमेशा ब्लैक एंड ब्लू क्यों पहनते हैं? ऐसा नहीं है वो हमेशा कहते हैं कि हम ये डिसीशन नहीं लेना चाहते हैं कि कौन से दिन क्या कपड़े पहनने हैं, हमें इस सब में घुसना नहीं चाहिए. ये रीज़न नहीं है. रीज़न बहुत सिंपल है. Black is known as the color of Saturn, which is the color of long-term transformation, which is going to take the world to a better place. That is why Steve Jobs always wore black. It is not because of anything else. So symbols have a lot of meaning. अगर आप एक entrepreneur हैं, आपको एक type of color पहनना चाहिए. अगर आप एक business में हैं, which is about luxury, आपको ऑप्टिमिज्म देना है, तो आपको पेस्टल शेड्स पहनने चाहिए, ऑरेंज पहनना चाहिए, वाइट पहनना चाहिए, ब्राइट येलो पहनना चाहिए. अगर आप एक बिजनेस में हैं जहाँ पे आपका मार्केट शेयर ब्लीड हो रहा है और आप अपनी टीम को रैली कर रहे हैं कि यार लड़ मेरे कंपेटिटर के साथ, आपको रेड पहनना चाहिए, कलर ऑफ मार्स. अगर आप एक ऐसा इनोवेटिव कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो दुनिया को चेंज करने वाली है बट लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, यू हैव टू वेयर ब्लैक. ये कॉन्शियस डिसीशंस हैं उनके ब्लैक और ब्लू पहनने के. आपने कभी नहीं देखा होगा वो लोग ऑरेंज पहनते हैं, क्योंकि वो लोग वो मैसेज ही नहीं करते. देयर इज अ रीज़न विजय माल्या वोर दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स. तो सिंबल्स और ड्रेसिंग स्टोरीज में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये सारा आपका इरैशनल ब्रेन को टारगेट करता है, विच जो आपके 95% डिसीशंस बुक्स में कलर्स की डिफरेंट कलर्स हर कलर के लिए, हर कलर के लिए क्या है. अ थर्ड थिंग विद सिंबल्स मैटर इज, अगर आपने 5 सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर आपने स्कैम सीरीज देखी है, हर्षद मेहता वाली जो सीरीज आई थी, बहुत लोग कहते हैं कि उनका डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो उस गाड़ी में घूमते थे, वो लेक्सस वाली गाड़ी, और हर जगह उनकी गाड़ी के बारे में बात हुई. तो वो जो सिंबल था, वो सिंबल वेंट अलॉन्ग वे इन डिस्ट्रॉइंग हिम. तो दो सिंबल्स कैरी अलॉन्ग. अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है, तो पूरी मूवी वो टॉप के ऊपर है. द टॉप कीप्स रोटेटिंग जब तक चलती है. लियोनार्डो डी कैप्रियो ड्रीम वर्ल्ड में है, जब वो टॉप बंद हो जाती है, लियोनार्डो डी कैप्रियो को पता है मैं असली वर्ल्ड में आ गया. तो सिंबल्स का, वेदर इट इज ड्रेसिंग, वेदर इट इज ब्रांड लोगो, मैटर अ लॉट. बट आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस कॉन्शियसली. नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इसमें ये सारी चीजें लिखी है, तो आई विल डू मोर कॉन्शियसली एंड आई विल डू इट इन अ बेटर वे, बिकॉज
स्टोरी टेलिंग पावर है टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फास्टर या एंड टू क्रिएट अ वर्स कल्ट फास्टर इन बोथ द वेज तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. आई वांट टू यूज इट फॉर द पॉजिटिव थिंग्स एंड लाइक स्केल या द थिंग्स दैट वी डू मच मच फास्टर या And I want to learn this and it's amazing. I never thought ki color ka itna important hoga because now that I can think of there are so many people who specific colors pehante hain aur main unko us tarike pe dekhta hu. आप वैसे नोटिस कीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा लोगों के हाथ कैसे मूव करते हैं, वो भी स्टोरीज नरेट कर रही हैं. नोटिस कीजिएगा, लिखा मैंने ये सब भी लिखा हुआ है, जेस्चर्स, नोटिस पीपल्स जेस्चर्स. सो आई वाज ट्राइंग टू रीड योर जेस्चर्स. ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट, ओके गो अहेड, टेल मी. ओके, दिस इज वेयर वी एंड. यू टेल मी अबाउट माय जेस्चर. नो, यू टेल मी अबाउट माय जेस्चर एंड देन वी एंड. एंड गाइस, दिस इज फैसिनेटिंग. एंड मैं यूजुअली मेरे पॉडकास्ट पे बुक्स प्रमोट नहीं करता, मैं गेस्ट को लाता हूँ, गेस्ट को क्या पता होता है वो होता है. मैं नहीं बोल रहा कि तुम जाके बुक पढ़ो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सुनने के बाद मैं जरूर पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड टू नो मोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप टिल दी एंड. प्लीज सब्सक्राइब टू राजमानी क्लिप्स चैनल टू बिकम अ बेटर लीडर फॉर टुमारो.